आज कोई आदमी कहने वाला नहीं है, सब लोग जो है वो सत्ता चाहिए, पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिद्धांत नीति आदर्श सब खत्म हो गया है। यानी जो आरक्षण के बारे में जो कमिटमेंट था लोगों का, वो आजकल जातियों में बट गया। अब जाति के लोगों को हर जात ढूंढ रही है कि हमारे आदमी को मंत्री बना दो, और कुछ नहीं बचा है। ऐसी हालत, ऐसी विकट हालत सामने आ जा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज तकलीफ होती है कि कोई आदमी आने वाले भारत और समाज को कैसे बनाया जा रहा, क्यों हालत हरी है। आप कल्पना कीजिए, जब बुद्ध जब लड़ रहे थे तो उस समय उनके साथ सत्ता थी, उसके बाद रविदास जब लड़ रहे थे तो वो उस समय मुगल थे, कबीर जब लड़ रहे थे उस समय भी मुगल थे, फूले साहब जब लड़ रहे थे तो अंग्रेज आ गए थे, बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो अंग्रेज आ गए थे, उसके बाद बाबा साहब ने एक संविधान दिया भारत को, उसके बाद की जो लड़ाई है वो लोग सत्ता में रहे जिनके खिलाफ लड़ाई थी, और उसके बाद जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, मानेवर कांशीराम साहब हो, तीन लीजेंडरी पर्सन अब नहीं रहे इस दुनिया में, रामविलास पासवान अब नहीं रहे, शरद यादव हमारे साथ हैं, SC ST को रिजर्वेशन मिल चुका था देश की आजादी के साथ, बाबा साहब ने मंडल कमी OBC के आरक्षण के लिए रास्ता बना दिया था, लेकिन सामाजिक रूप से शैक्षणिक राजनीतिक रूप से पिछड़े OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा था। आज एक डाटा आया है, डेटा आया है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 30 के आसपास OBC के प्रोफेसर हैं, आज लगभग 60% आबादी है OBC की, और आप जो शहरों में हैं, मैं जो पत्रकार हूं, मैं जो रिजर्वेशन लेके पत्रकारिता की पढ़ाई करने आया, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो शहरों में आए, जिनको नौकरी लगी है, जो स्कूल कॉलेज में गए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, वो शख्स आपके सामने है, एक लीजेंड के साथ मैं बैठा हूं, मुझे नहीं पता ये बातचीत कैसी होगी क्या होगा, लेकिन कल मंडल कमीशन डे था तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे बात करूं, मैंने लोकसभा में इनके पूरे भाषण को सुना, और वो कौन सा पल होगा, वो कौन सा दौर होगा जब इन्होंने तय किया होगा कि तमाम नफा नुकसान को छोड़ते हुए सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, क्योंकि आज 90% मुसलमान भी OBC के दायरे में आता है। शरद यादव प्रधानमंत्री BP सिंह होते हैं, और वो 7 अगस्त का दिन था जब मंडल कमीशन लागू हुआ, और आज OBC के लोग शहरों में हैं, नौकरियों में हैं, स्थितियां बदल गई है, नौकरियां जा रही हैं, कंपनियां बेची जा रही है, लेकिन आपके लीजेंड आपके साथ हैं। आज हम सब लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम सब लोग ताना कस रहे हैं कि हमारे नेता सोशल जस्टिस, फूले पेरियार, अंबेडकर, समाजवाद, आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी के सेकेंड जनरेशन के नेता हैं। जब भी मैं शरद जी से मिलता था तो कहते थे कि जब हम लोग लड़ रहे थे तो समाज सोया हुआ था, अब मैं इनको बताने आया हूं कि अब लड़ने वाले की जरूरत है, क्योंकि समाज बहुत जग चुका है, और सोचिए इतना जग चुका है कि एक दौर था जब शरद यादव, सोचिए आप कल्पना कीजिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, नौकरी करते हैं, मीडिया में, जहां भी हैं, पावर सेंटर्स पे, और आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो कितना ताना सुनना पड़ता है। शरद यादव जी ने वो ताना संसद में भी सुना है, तो थोड़ा सा बात भी करेंगे, मुझे नहीं पता कैसी होगी ये पूरी बातचीत, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इनके सामने आकर ये सारी बातें इनको बतानी हैं कि आपका समाज क्या महसूस कर रहा है आपके लिए, जिनकी लड़ाइयां आपने लड़ी है वो समाज आज एक नेता ढूंढ रहा है जो आपकी तरह हो, जो अपनी परवाह ना करे, और जो संविधान, सोशल जस्टिस, इस देश की सुरक्षा, इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाए, और संसद में एक घनघोर चुप्पी है, शरद यादव जैसे लोगों की कमी है, शरद यादव की कमी है, क्या वो कमी पूरी होगी,
धर्म की राजनीति ने सब कुछ डगमग कर दिया है, मटमैला कर दिया है, क्या वहां फिर से सोशल जस्टिस की आवाज, सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू होगी? सर मैंने लंबा बोल दिया, आपने सुना भी होगा, कैसे लगता है अब लोग छटपटा रहे हैं, लोगों को लगता है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो गए हैं और उनको लगता है कि कोई नेता आए जो हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाए, और वो जो आप अपने जवानी के दिनों में लड़ रहे थे उस समय आपका समाज बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, सोया हुआ था, आज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो छटपटा रहे हैं कि कोई शरद यादव जैसा नेता आए और हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाए। हाँ, हम लोगों की जो विचारधारा है या जो लोग सोच रहे हैं वो बात सही है। आज जो कमजोर तबकों को जो राजनीति है वो तो बिखर गई है, और इसके बाद वो जातियों में बट गई है, और आज कोई आदमी कहने वाला नहीं है, सब लोग जो है वो सत्ता चाहिए, पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिद्धांत नीति आदर्श सब खत्म हो गया है। यानी जो आरक्षण के बारे में जो कमिटमेंट था लोगों का वो आजकल जातियों में बट गया। अब जाति के लोगों को हर जात ढूंढ रही है कि हमारे आदमी को मंत्री बना दो, और कुछ नहीं बचा है। ऐसी हालत, ऐसी विकट हालत सामने आ जाती तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज तकलीफ होती है कि कोई आदमी आने वाले भारत और समाज को कैसे बनाया जा रहा, क्यों हालत हमारी है। नहीं, लड़ाई बहुत आगे बढ़ी है, जो लड़ाई आपने लड़ी जीवन भर, आपने आपके शरीर की सारी हड्डियां टूटी, आपने लड़ाई लड़ी, आप संसद में रहे लंबे समय तक, आपने वो तमाम ताने सुने हैं, समाज बहुत जागरूक हुआ है, जातियों में भी नहीं बटाई, इस तरह का एक प्रोपगेंडा है, नेता नहीं मिल रहा है समाज को। दीजिए पाई, दीजिए दीजिए, जो पहले लीजिए, एकदम नॉर्मल बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं पानी। कोई नेता नहीं है अब संसद में, लोगों को लगता है कि हम आडंबर के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, जबकि आज समाज बहुत फर्टाइल है, जाग रहा है। नरेंद्र मोदी रोज SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक राजनीति हो रही है, दलित ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हैं, अभी कहा जा रहा है कि हमने OBC उपराष्ट्रपति दिया, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सब हमें सिंबॉलिक रूप से ठगा जा रहा है, लेकिन जो हमारी युवा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तैयार नहीं है सोशल जस्टिस फूले पेरियार अंबेडकर की बात करने के लिए, और जो लड़ाई आप लड़ रहे थे। ठीक बात कह रहे हो, बात यह है ना कि आज चारों तरफ जो है वो अवेकनिंग है, जगे हुए लोग हैं, लेकिन बिखरे हर सूबे में अलग अलग है। कई सूबों में तो कोई सामाजिक न्याय का संघर्ष या कोई संघ है ही नहीं। अब जैसे महाराष्ट्र है तो वहां ये संघर्ष चल रहा है, पहले UP में चलता था तो अब नहीं है, बिहार में चलता था अब नहीं है, लेकिन लोग जगे हुए हैं, लोगों का दृष्टि जो है वो बन गई है कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं। तो आज की स्थिति कल बदलेगी, और नेता जो है वो किसी की इच्छा से पैदा नहीं होता, ये नेता तो स्वाभाविक तौर से जनता के बीच में से इमर्ज होता है, और जो हमारे बारे में बात है तो हमने मतलब इन्हें इतने संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है कि कोई देश में नेता या कोई आदमी में मुकाबला नहीं कर सकता। 4 साल तो हम जेल में रहे हैं, इमरजेंसी को जोड़ दें तो 3 साल पहले से भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में बंद रहे, और यहाँ जितनी तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं, और पार्लियामेंट में जो है वो जब भी मौका मिला है
तो कैसे जो समाज जो है, जो परंपरागत समाज है, उसमें हम लोगों की जो स्थिति है उसके बारे में, और जो लोग आज कास्ट सिस्टम के चलते अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो सब ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी सर से बात करने में? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? लीजिए तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आज से हमसे ज्यादा त्याग किसने किया है। हमने मतलब ये 3 बार तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया। जब इमरजेंसी लग गई तो देश भर में कोई इस्तीफा नहीं दिया है। एक इस्तीफा हमने दिया जब इंदिरा जी ने 1 साल से ज्यादा बढ़ा दिया, बगैर 5 बरस से ज्यादा 1 साल अपने आप ही बना लिया। तो उस पार्लियामेंट में जो है वो हम थे और मधुले में थे और सब लोग थे। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि लोगों को अब बड़े हुए सेशन में बने रहना चाहिए। तो हम पहले आदमी थे जो इस्तीफा दे दिए। यानी भारत की राजनीति में जितने इस्तीफे मैंने दिए हैं कोई ने नहीं दिए। लेकिन बात यह है कि मीडिया और सिस्टम जो है, ढांचा जो है, वो जिनके हाथ में है वो इनसे लड़ाई है, तो वो किसी तरह से भी इग्नोर करते हैं। अब कोई आदमी कभी नहीं कहता कि इमरजेंसी में सबने कोई ने इस्तीफा नहीं दिया, हमने और मधुले मैंने दिया। वो जब जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप रोज उनसे मिलते थे और कहते थे कि इस मौका यही है, मंडल कमीशन लागू कर दीजिए। देखिए, मंडल कमीशन जो था उसमें कमिटमेंट था, लेकिन कैबिनेट में हमेशा इसको नहीं कोई ने उठाया, क्योंकि चौधरी देवीलाल उसके खिलाफ थे। मैंने उठाया तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि छोड़ो इसको। फिर चौधरी देवीलाल पार्टी से निकल गए और हमारे बीपी सिंह के बीच में समझौता हुआ कि मंडल लगाया जाए। बहुत बहस के बाद, बहुत तरह से तर्क करने के बाद उनके सामने हमने ये वाकया रखा कि मंडल कमीशन जो है वो पिछड़ों की और बहुसंख्यक समाज जो है उसके हक हकूक उसमें लिखे हुए हैं। भारत सरकार ने खुद बनाया हुआ, जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, और पार्टी ने भी कमिटमेंट किया है कि मंडल कमीशन हम सरकार में आज बनाएंगे। तो अब हमने कहा क्या गड़बड़ है? तो हमने कहा या तो देवीलाल के साथ जाएंगे हम, और नहीं तो मंडल लगाओ। और इस तरह से मंडल जो है वो लागू हुआ और लाखों नौजवान आजकल नौजवान रोजगार पा रहे हैं। आपकी जो लड़ाई थी, आप जब राजनीति में आ रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़ रहे थे, पूरे जीवन में आप लंबे समय तक संसद में रहे हैं, लंबे समय तक आप संसद में रहे हैं, कोई ऐसा नेता जिन्होंने आपकी भावनाओं को समझा, आप जो आज तक जो आज भी आपके मन में जो बेचैनी है, आप इस उम्र में जब लोग आराम कर रहे होते हैं, जिनके परिवार वाले मिलने नहीं देते हैं, आप बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नेता था जो लगता था कि हाँ शरद यादव के साथ ये नेता बड़ा है और ये खड़ा है, किसी पर आप भरोसा करते थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिस्टम क्या है, इतने लंबे संघर्ष के बाद कोई कभी किसी को परमानेंट नहीं कह सकते, कोई कभी किसी मुद्दे पे साथ दे देता है। जैसे मंडल का था तो मधु दंडवत साथ दिए, इसी तरह से
मदद मैंने हमको बहुत कोशिश की हर तरह से मदद करने की। अच्छा, मधुबन रूते साहब कर रहे थे। हाँ, हर तरह से, और वो ईमानदार से जो भी चाहते थे कि ये जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं इनको हक मिलना चाहिए, और इस तरह से जो है। अच्छा, बाबू जगजीर राम चाहे थे तो वो सोचते थे कि नहीं तुम अच्छा ठीक कर रहे, काम कर रहे हो। अच्छा, उनसे बात होती थी आपकी जगजीवन बाबू से? चौधरी बाबू जगजीवन राम जी जो थे उनसे मेरे बड़े प्रेम पूर्वक संबंध थे, और वो कहते थे कि भाई तुमको अकेला महसूस करना है तो अकेले रह करके ये सब करना पड़ेगा, और जिंदगी भर के लिए हर कदम पर कहीं ना कहीं से अपमान होगा। कुछ मिलेगा नहीं हा? कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा तो छीनना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह से के बारे में क्या कहेंगे, बहुत करीब थे आप उनके। चौधरी चरण सिंह का सबसे ज्यादा योगदान हमारे बढ़ने में है। चौधरी चरण सिंह जो है वो यूथ का हम अध्यक्ष थे तो पूरे देश भर में हमारे हक में बोलते थे, और उन्होंने प्रोजेक्ट हमको किया और बहुत प्रेम करते थे, और ये मंडल कमीशन के हक में नहीं थे वो, लेकिन हमने उनको बहुत समझाया, बहुत कोशिश करके मंडल कमीशन लगवाया। तो इसलिए यदि कोई बड़े लोगों में हाथ सर पे हमारे रहा है तो वो चौधरी चरण सिंह है। अभी अभी जो हालात हैं, अभी जो राजनीति हो रही है, डर है, विपक्ष के नेताओं की चुप्पी है, सरकार सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रही है, जो सत्ता में जो लोग हैं वो अपने आइडियोलॉजी के प्रति बहुत ईमानदार हैं, जो बाकी नेता नहीं रहे, ढुलमुल नीति रही, कभी करना है कभी नहीं करना है। जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वापसी हो पाएगी या आरएसएस अब कब्जा कर लेगी और सब कुछ संविधान हो या सोशल जस्टिस हो सब खत्म हो जाएगा, क्या आपको क्या लगता है, क्या आकलन है? आज तो सही में विकट परिस्थिति है, अपोजिशन पूरा बिखरा हुआ है। हम जब थे तो उसको इकट्ठा करते थे, आज कोई वहां नहीं है जिसकी हैसियत जो है वो सबको इकट्ठा कर दे। हमने इकट्ठा करके कई बार देश को बंद किया, कई बार लड़ाई लड़े। अब आज तो जो है वो हमारी स्थिति जो है वो, लेकिन लेकिन जो हमारे नेता हैं, लोग कहते हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैं, पिछड़े दलित, वो अपने बच्चे को आइडियोलॉजी नहीं समझाते हैं, संसद भेज देते हैं पहले, और बीजेपी में वो लोग नेता बन रहे हैं जो एकदम आरएसएस से छन कर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ जो है वो कई गुना ज्यादा है, वो रोज आपके लाइन पर चल रहे हैं, वो कांशीराम साहब के लाइन पर चल रहे हैं, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूं और मैं एससी एसटी ओबीसी को अधिकार देने आया हूं, मैं राष्ट्रपति दलित बनाया, अब ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, वो सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, वो बोल रहे हैं, वो आरएसएस अंदर क्या है अलग बात है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। सारा राज जो है वो ऊंची जात के हाथ में है। अब इधर उधर मैंने कहा ना कि किसी कास्ट का मंत्री बना दिया, अब जैसे आदिवासी का, आदिवासी का तो क्या होगा, आदिवासी के लिए एक बेहद प्रोग्राम बनेगा, आदिवासी को बनाने से कोई एक आदिवासियों का पूरा बदलाव हो जाएगा, ये तो कल्पना है। हाँ, लेकिन एक सदियों से जो आदिवासी थे उनको एक आदमी का प्रोजेक्शन किया, तो ठीक बात है। क्या लग रहा है अभी जो राजनीति हो रही है, अभी जो देश में सब कुछ चल रहा है, उस पर उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं, तकलीफ होती है आपको या आपको लगता है चूंकि आपका लंबा अनुभव है? सबसे ज्यादा तकलीफ हो गया हूँ जिंदगी में, मस्ती भर जिंदगी काटी, लेकिन आज सबसे ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं।
यानी आज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसका बहुत अफसोस है और मुझे सुनाई नहीं पड़ता कान में, इसके लिए भी मैं क्या करूँ। इसलिए घर जो चुप बैठा हूँ मैं, तो मुझे बहुत तकलीफ है और बहुत छटपटाते है कि जो गलत हो रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सोशल जस्टिस कर रही है, इससे मैं धुर्रे उड़ा देता बस। इससे समाज, हमने जो कहा है जो समाज का परिवर्तन है वो सबका होगा, किसी एक आदमी को टोकन करके नहीं हो सकता। बाबा साहब को इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ था भारत रत्न, दलित का क्या हुआ? दलित का यानी बाबू जगजी राम से थे, वो दलित थे, तो क्या हो गया दलित का? व्यक्ति से समाज नहीं बदलेगा, किसी पर्सनैलिटी से समाज नहीं बदलेगा। समाज जो है पर्सनैलिटी भी चाहिए और ईमानदारी से समाज कैसे बदलेगा ये भी चाहिए। अच्छा, आप लोग की जब सरकार थी उस समय एक दौर था, तो आप लोगों ने क्या नारायण साहब को राष्ट्रपति का बनाया, उसके पीछे मतलब इस तरह के लोग आने चाहिए जो जो जिनकी सामाजिक समझ हो, जैसे जो क्या नारायण साहब थे दलित लोगों ने आपके कई दलित को बनाया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो किया नारायणन साहब थे, जो उस समय आए जब उन बाबा साहब को भारत रत्न भी मिला, तो उनको बना तो उससे कर उससे क्या समाज का बदला हो गया? नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा, आप ही के दौर में बने थे वो राष्ट्रपति किया नारायणन साहब। हाँ, और उसके बाद उन्होंने जुडिशियरी पर भी सवाल उठाए, जो गोधरा को लेकर जो घटना हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए। अभी सब तरह चुप्पी है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो सोच रहा है कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं। पूरा सवर्ण समाज गोलबंद है बीजेपी आरएसएस के साथ। उससे बहुत लोग जो है वो हिटलर को भी डर रहे हैं, लोग कहते थे कि बहुत बड़ा उसके पीछे वो था। किसी आदमी के पीछे जैसे कोई सारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन प्रधानमंत्री से देश नहीं बदलेगा, देश तो समाज से बदलता है। तो जो जवेकनिंग की है वो महात्मा फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर लोहिया ने, ये लोग थे जिन्होंने समाज में जो बुनियादी परिवर्तन है, जो असली में इस देश के अंदर जो बीमारी है वो कास्ट सिस्टम है। उस कास्ट सिस्टम के ऊपर सीधा कोई हमला नहीं करता, इसी कास्ट सिस्टम के चलते सारी विसंगति है, सारी गरीबी, भूख, इज्जत, मान सम्मान सब इस जाति में जमा हुआ है। यानी इसके इसके एक आध आदमी को कुछ बना देने से इसके इसके इससे जीवन में बदलाव नहीं होगा, पॉलिसी बनानी होगी, पॉलिसी बना करके होगा। और पॉलिसी को ईमानदारी से कैसे होगा? अब आदिवासियों का कोई पैसा सर नहीं लगता उनके यहाँ, चारों तरफ जो आओगे जाओगे शादी बनोगे तो आदिवासी जो जनता है उसे कुछ मतलब कुछ उसका कुछ नहीं, उसकी तो जिंदगी नरक बनी हुई है। जो जो नए नेता है राहुल गांधी जी आपसे जब से मिले हैं वो रोज सड़कों पर हैं, ऐसा क्या कहा आपने उनको? क्या राहुल गांधी जब से आपसे मिले हैं वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अब तो रोज सड़कों पर रहते हैं। मैंने जो आपसे कहा है उसी संदर्भ में उनको बहुत कोशिश की है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, यदि विकर सेक्शन को पकड़ लेगी तो फिर वापस हो सकती है। क्या कहा उन्होंने, कैसा रिस्पॉन्स था? नहीं, वो तो मेरे से तो सहमत थे। अब चलाना पार्टी जो है वो मुश्किल होती है उनको, क्योंकि सोनिया जी भी है, प्रियंका है, और वहाँ पहले से बहुत लोग हैं जो ऊंचे तबके के लोग हैं। वो राहुल गांधी कुछ करना भी चाहते हैं वो मुश्किल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो आपने उनको सोशल जस्टिस समझा दिया है। समझाया उनको सोशल जस्टिस, समझाया उनको भारत की राजनीति, समझाया।
क्या लगता है आपको, क्या आप मिले प्रधानमंत्री वाला पोटेंशियल है उनमें, पीएम वाला, पीएम मटेरियल है, प्रधानमंत्री वाला पोटेंशियल है उनमें? बिल्कुल है, इसलिए कि वो निश्चल आदमी है, वो कुछ कर सकता है तो वो पॉलिसी बना सकता है। जो आदमी पॉलिसी के जरिए समाज बदलेगा वो असली आदमी है। टोकनिज्म के लिए जो काम कर रहे हैं वो कोई पर समाज का कोई हित आने वाला नहीं है। आपके दौर के अब सब नेता, उम्र भी हो गई है, अभी जो नए नेता लोग, जो भी नए नेता हैं, नए युवा लोग हैं, उनमें कुछ संभावनाएं दिख रही है देश के प्रति, समाज के प्रति, सिस्टम को ठीक करने के प्रति या संविधान के प्रति, या सब बस सिर्फ पावर चाहते हैं? जो अभी नए नेता हैं, जो नए लोग हैं, उनमें कुछ संभावना दिख रही है आपको? किसी में ईमानदारी की झलक दिख रही है? नहीं, अभी कहीं नहीं दिख रही, देश के लिए, समाज के लिए नहीं दिख नहीं रही कहीं। यानी एक तरह से सामाजिक परिवर्तन के सवाल को तो बिल्कुल सबने छोड़ दिया अभी। हाँ, जनता में है, जनता में है, जनता में है, लेकिन एक तरह से जो है वो आज पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग नेता है या जो मुख्यमंत्री है वो उनमें कोई आज नहीं है। लेकिन लोग, आपको तो अब संतुष्ट होना चाहिए, शरद यादव ने एक लकीर खींची, मंडल कमीशन लाया और 60 करोड़ लोगों की किस्मत बदली, संवैधानिक रूप से उनको अधिकार तो है। संतुष्ट हूँ कि महिला रिजर्वेशन, मैंने कहा सबको दो, अकेले एक तबके को नहीं दे सकता। समाज तो जो है बिखरा हुआ है, बहुत दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, तो आप यदि महिला का करेंगे तो महिला बगैर रिजर्वेशन के करेंगे तो सबके सब ऊंचे तबके की महिला आएंगे, तो आप सबको दो। पर अंत में उनको मानना पड़ा मेरी बात को, कास्ट सेंसस मैंने कराया लेकिन उसको फेल कर दिया इन लोगों ने, सिस्टम के चलते फेल हो गया। यानी यूपीए की सरकार ने किया था, वो पार्लियामेंट में मैंने घंटों भाषण किया था, हुआ था वो। कितने साल रहे संसद में? मंडल है, मंडल है, उसमें जो है वो भी अकेले अकेले में जितना काम किया, मंडल रथ निकाल दिया। अब मंडल रथ को मीडिया ने नहीं दिया, मीडिया नहीं देता, मीडिया नहीं थी आपके पास, आप आज भी नहीं, लेकिन जनता में मेरी बात चली गई, जनता में मेरी बात चली गई। 50 साल के करीब आप संसद में रहे हैं, 50 साल राज्यसभा लोकसभा मिला के, एक बार और जाना चाहते हैं? ऐसा है कि अब मेरी स्थिति पटरा पार्लियामेंट में जाने की नहीं है, इसलिए कि थोड़ा हियरिंग मेरे प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप बैठेंगे भी संसद में, अगर आपके जाने से वहां बैठने से भी आबो हवा बदल जाएगी, लोग लिहाज करेंगे। कोई मुझको राज्यसभा नहीं भेजेगा, कोई। एक जमाना था कि बाबा साहब को लोगों ने भेजा था, आज के जमाने में कोई नेता जो है मेरी याद नहीं करता। नहीं, लेकिन समाज बहुत ये दबाव बना रहा है समाज की। शरद यादव एक लीजेंड है और उनका सम्मान समाज में है लोगों में, कि भाई ये आदमी ये कमा रहा था, जो हमारी ईमानदारी से आवाज उठाता था, हमारे संघर्षों में साथ देता था, वे जनता में है। आपको कोई पछतावा तो नहीं है ना, जो आपने लड़ाई लड़ी, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, आपको तो कोई पछतावा नहीं कि परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए? परिवार वालों का दबाव होगा कि आप इतने साल राजनीति में रहे लेकिन परिवार के लिए कुछ नहीं, नहीं कर कोई पाए? पछतावा नहीं, पछतावा इस बात का है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका। इतना से है कि आज मुझे रहने के लिए दिल्ली में मकान नहीं, तो इसलिए एक मेरे परिवार के लोगों के लिए मुझे जो करना था वो नहीं कर पाया। मैं घर भी नहीं बना पाया, आप घर भी नहीं बना पाया, घर भी नहीं बना पाया, ये नहीं मालूम कि आज यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं, ये भी पता नहीं है। और जिनके लिए मैंने किया है वो तो
समाज के लोग हैं। आज जो है वो मेरी जो स्थिति है उसके बारे में जो है वो पहले लोग मदद करते थे, तो महात्मा बोले थे, बाबा साहब थे, मगर आज मेरे ये हालात जो है उसको बदलने के लिए कोई पहल करने को तैयार नहीं है। आप जैसे पहले आदमी है जो आपने मुझसे पूछ लिया। नहीं, मैं तो आप ही की वजह से पत्रकार बन पाया, कॉलेज में आ पाया। आरक्षण नहीं होता तो मैं पत्रकार नहीं बन पाता। मैं खुद ओबीसी से हूँ, आरक्षण लागू हुआ तो मेरा दाखिला हुआ तो मैं पत्रकार बन पाया। तो मेरा तो एहसान है, मैं कभी किसी का पैर नहीं छूता हूँ, अपने बाप का भी नहीं छूता हूँ। लेकिन आपने, चूंकि आप एक सामाजिक हमारे फादर हैं, हम पैदा हमारे माँ बाप ने किया लेकिन अधिकार आप लोगों ने दिलवाया, तो इसलिए सम्मान है। क्या एक और मेरे मन में सवाल आता है, वो कैसा, मतलब कब आपके समझ में आया कि अब मुझे राजनीति में भी जाना है और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़नी है? आप चाहते तो बहुत सारे कंप्रोमाइजेस कर सकते थे, समझौता करते। अच्छा है ना कि जिन्हें जो तीन बड़े काम करवाए, 50 साल में पार्लियामेंट में रह करके इतिहास कभी लिखेगा तो वह कठिन काम है। महिला रिजर्वेशन, अपने वर्ग के लोग भी कई बार गुमराह हुए थे, लेकिन मैं इतना खोटा था, इतना जबरदस्त तरीके से मुद्दे को उठाया कि सारे लोग जो है वो सारे पार्लियामेंट कन्विंस हो गया मेरे से। लेकिन अब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ले आए हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है वो कर दिया उन्होंने 10%। किसका? सवर्ण समाज के लिए। हाँ, कर अब कोई लड़ने वाला ही नहीं क्या? एक बयान नहीं छपा, किसी ने एक बयान नहीं दिया होगा। दूसरा काम जो 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 आपके लिए सेटिस्फेक्शन रहा, दूसरा वो काम, एक तो आपने, आप चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं को अलग से भी आरक्षण मिले। सबको मिले। महिलाओं को मैं देना चाहता हूँ 50% दो, लेकिन दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अकलियत के लोग हैं, इन्हें जरूरत है, इन्हें इंक्लूड करो और कर लो। कर मैं तो कहता हूँ 100% ही कर लो, लेकिन ये जो समाज की हकीकत है इसे इग्नोर करके नहीं कर सकते, इसे समाहित करके करना पड़ेगा। फिर ये कास्ट सेंसस, आज सब लोग कह रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट में मैंने ही उसको उठाया, ऐसा उठाया कि पार्लियामेंट जो है वो पूरा एकदम हल गया और वहां सोनिया जी और सब लोग बैठे थे, बात करके हम लोगों को, फिर उसमें हम लोग जो है वो नहीं, ठीक है आप बोलिए। हाँ, जो मुलायम सिंह है, दारा सिंह है, लालू है, ये सब लोग मेरे साथ खड़े हो गए थे और कास्ट सेंसस स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसको फेल कर दिया सिस्टम ने, कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट करेगा, कहीं कुछ करेगा। जो कास्ट सेंसस कमिश्नर है जिसे करना था उसने छोड़ करके कई जगह बांट दिया और करोड़ों गलती हो गई उसमें, बेकार हो गया वो। मगर अब लोग मांग कर रहे हैं फिर से, वो समझ गए हैं कि ये क्या हुआ। इसके बाद जो है वो मंडल कमीशन, इसके लिए तो मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैंने कितने अपमान सहे, कितने तरह की तकलीफ देखकर तो तकलीफ है। यानी एक ऐसा आया मेरे हाथ में अवसर, चौधरी देवजाल को बर्खास्त कर दिया VP सिंह ने, और 9 अगस्त को उसने अपनी रैली बुला ली। तो VP सिंह जी मुझे बुलाया, मुझे कहा कि हमने चौधरी देवीलाल, हमने कहा चौधरी देवीलाल को निकाल नंबर, मैं सवेरे बात करूंगा आपसे। तो बोले हम तो पहुंचा दिए रेजिग्नेशन राष्ट्रपति के यहाँ, तो मैंने फोन रख दिया। इसके बाद उनका उनके लोग रात को मेरे पास आए, 5 बजे बुलाया आपको, 6 बजे प्रधानमंत्री ने,
पर वहां मैं सारी परिस्थिति देश के इतिहास की जो बताया हूं, तो वो तो कांग्रेस ही थे, और समझ भी नहीं थी उनकी इतनी, बीपी सिंह की, बीपी सिंह की। लेकिन जब मेरी बात सुनी तो वो सहमत थे, और मैंने कहा कि ये मंडल कमीशन लगाओ, नहीं तो 9 अगस्त को मुझे जाना पड़ेगा रैली में। या तो मैंने कहा अपने पुराने रिश्ते पालूंगा, या जो सिद्धांत की बात है इसके लिए मैं साथ रहूंगा। तो मैं बीपी सिंह जी के साथ रह गया, इस शर्त पे कि मंडल लागू होगा। लेकिन उस समय कांग्रेस भी विरोध में थी और बीजेपी भी विरोध में थी मंडल कमीशन। राजीव गांधी है, राजीव गांधी का लंबा भाषण, सारा देश का जो अपर कास्ट है वो खराब था, सारा देश, यानी पुलिस के पार्टी के भी लोग, पुलिस के लोग मुझे कहते थे कि आप बाहर मत निकलिए, बाहर निकलेंगे तो आपको मार डालेंगे लोग। मगर मैंने कहा मार डालने कोई जरूरत नहीं, मगर निकलूंगा बाहर। और मैंने पूरे देश भर में कंपेन किया, और पूरा हिंदू समाज है उसकी खराबियों को मैंने पूरा एक एक करके गिनाया। कांसीराम से कोई बातचीत हुई थी उस दौरान आपकी, जब वो मंडल कमीशन की आंदोलन? कांसीराम मेरा भाषण सुन रहे थे, स्टेटमेंट में छपा है उनका फोटो और मेरा वो। बाकी समय में मेरी मेरी बात होती थी उनसे, पहले मेरी बहुत कोशिश हुई उनसे बात करने की, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाए। मैंने कहा कि भाई आप अलग अलग करके एक, ये जो सिर्फ ये नहीं कि हम अपर कास्ट को नहीं मानेंगे, ये चलेगा नहीं। ये तो ऐसा है ना कि अपने समाज को जगाओ और जागरूक करके उनको समझाओ सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। लेकिन वो कहते थे कि हम अपर कास्ट के साथ नहीं जाएंगे, कांसीराम कहते थे कि हम अपर कास्ट के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं गए, मगर उनकी पार्टी ने क्या किया देखा, उनका सारा किया हुआ आदमी। अब वो तो कांसीराम जी जो है वो ईमानदार आदमी थे। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो मैं चाहता हूं कि संपूर्ण परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए, समाज को ये समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में जो लीडरशिप है वो इनके जो सदियों पुराने दुख और तकलीफ है उसको दूर नहीं कर सकते। मोदी की राजनीतिक समझ और आरएसएस की विचारधारा, इसका काट लोग कह रहे हैं सोशल जस्टिस है, जैसे स्टालिन लड़ रहे हैं तमिलनाडु में। मैंने कहा ना कि ये काम कांग्रेस भी करते रही, ये काम जो हमारी पार्टी थी वो भी करते रही। टोकनिज्म से देश बदलेगा ये सोच बदलना पड़ेगा। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो आरएसएस की विचारधारा है जिसमें मनुवाद है, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, और प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक चालाकी है मोदी की, क्योंकि उन्होंने 40 साल संघर्ष किया है तो उनको राजनीतिक समझ है, नब्ज जानते हैं वो, और विपक्ष के जो युवा नेता है जो जिनको परिवार से विरासत से राजनीति मिली है, सड़कों पर घूमे नहीं है, सड़कों का खाक नहीं छाना है आपकी तरह, वो कैसे लगता है आपको लड़ पाएंगे उनसे, नरेंद्र मोदी से? देखिए, कोई ये गलत व्याख्या है कि वो कोई बकमाज के लिए, उनने तो समाज में जो है वो पिछड़ी जात में थे नहीं, पिछड़ी जात में अपने को इनक्लूड करा दिए, इनक्लूड किए। मैं वही कह रहा हूं, जो जो मोदी की जो राजनीतिक चालाकी है, मैं चालाकी कह रहा हूँ, जो राजनीतिक उनकी चालाकियां हैं क्योंकि उन्होंने लंबा दौर सड़कों पर गुजारा है, उसकी काट है किसी नेता में दिख रहा है जो सड़कों? नहीं, नहीं, कोई अंतर विरोध नहीं है उनके बीच में, बगैर आरएसएस के वो नहीं चलते, बाहर कुछ भी कह रहे वो, लेकिन आरएसएस के इससे बाहर कोई जा नहीं सकता। तो उस राजनीतिक चालाकी को कैसे कोई समझने वाला नेता लग रहा है? जैसे उनके हाथ में राष्ट्रपति बनाना है तो उन्होंने दलित को, आदिवासी को बना दिया, इस तरह का उनको काम वो है, वो
अपने आप करते होंगे ये मुझे लगता है। आजकल संसद में बहुत चुप्पी है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि दौर ऐसा है कि देश के लोकतंत्र को जो है इतना बड़ा खतरा मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि ये दौर ऐसा आएगा, पार्लियामेंट में मतलब यानी उसके कोई इम्पैक्ट ही नहीं बचा है। पार्लियामेंट का जो एक असर था वो असर ही खत्म हो गया है। तबीयत नासाज है, मैं बहुत ज्यादा बातचीत करना चाहता हूँ, मेरी अपनी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन मैं एक लीजेंड के साथ बैठा हूँ, एक ऐसा लीजेंड जिन्होंने इस देश की राजनीति को बदला, इस देश के 60 करोड़ से ज्यादा आबादी की किस्मत बदली। उन्होंने आपको एक ऐसा संवैधानिक अधिकार दिया इस देश में लोगों को, जो आपकी आने वाली नस्लों के भविष्य तय करते रहेंगे। शरद यादव की एक लंबी राजनीतिक लड़ाई रही है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सड़कों से निकल के आया हो, जिसने सड़कों की खाक छानी हो। मंडल कमीशन उसी की देन थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग आज भी आरक्षण से नफरत करते हैं, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, जो लोग फूले से नफरत करते हैं, जगदेव बाबू से नफरत करते हैं, वो शरद यादव से कितना नफरत करते होंगे। 50 साल संसद में रहे, कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए। आप पूरा इतिहास देखिए शरद यादव का, जो सोशल कमिटमेंट था, संसद में रहे, उसकी आवाज उठाई, कंप्रोमाइजेस नहीं किए। एक सवाल रह गया, वो जो आपका बीजेपी वाला जो अलायंस वाला दौर था वाजपेयी जी के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप, अपने ऑनेस्टली कैसे मूल्यांकन करते हैं? वाजपेयी का समय था वो यानी कांग्रेस पार्टी जैसा था, थोड़ा अच्छा यानी थोड़ा बहुत जो है वो यानी कांग्रेस पार्टी का जो रूप और रंग था, जिस तरह सरकार चलती थी उसी तरह वो चलाते थे। उनके यहाँ मतलब एक बहुत हार्डकोर संघी नहीं थे वो। यानी वो इस तरह से समाज में जो संस्थाएं हैं उनको नहीं छेड़ते थे। आज तो सारी संस्थाएं जो हैं वो एकदम जो उनको अधिकार है वो कम हो गया है। आज तो जो परिस्थिति अलग है, अटल जी का जमाना जो था वो एक मान सकते हैं कि एक मॉडरेट का। तो आपसे उनकी बातचीत होती थी तो आपका तो 36 का आंकड़ा रहता होगा। वो तो पार्लियामेंट में भी रहता था, लेकिन वो उनका वो समाज ज्यादा बड़ा है, जिसके हाथ में कलम है सब कुछ है। तो मैंने पार्लियामेंट में कई बार उनको अपने तर्क से पानी कर दिया है ना। कई बार ऐसा होता था कि अटल जी जो है वो बार मुझसे कहते थे कि आप क्यों मुझसे इतना नाराज है। तो मैं उनका नाराज नहीं हो, मैं पूरे इस व्यवस्था से नाराज हूं, आपसे नहीं हूं। क्या कहेंगे पूरे देश के लोग को, लगभग 10 से 15 करोड़ लोग इस वीडियो को देखेंगे, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से कहेंगे कि जिस तरह का आजादी के में बदलाव करना था, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, दलित और पिछड़ों को, अक्लियत के लोगों को, और ऐसा पिछड़ा होना चाहिए कि राज पर कब्जा हो जाए, और राज पर कब्जा करने में बाद जो अगुवाई करे वो आदमी आने से ऐसा हो कि जो इस सामाजिक न्याय के लिए कमिटेड हो। ये देश की सबसे बड़ी जरूरत है। तो सोचिए, आपको आपको तय करना है। मुझे लगता है कि इस देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उसकी लड़ाई लड़े। ठीक है, शरद यादव एक लीजेंड हैं, और आने वाली नस्लें, जैसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे जैसे भारत के शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे,
फुले पेरियार अंबेडकर को वो और ज्यादा सम्मान देंगे। वैसे ही जैसे जैसे ये तमाम नस्लें पढ़ते लिखते जाएंगी, शरद यादव भी उसी श्रेणी में जाके खड़े होंगे, क्योंकि इनकी पहल ने, इनकी जीवन भर के संघर्ष ने, भले इन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन पूरा बहुजन समाज इनको अपना परिवार मानता है। एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींची है, इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक ऐसे शख्सियत के तौर पर याद किए जाएंगे जो राजनीति में आए थे लोगों को अधिकार दिलाने, भले उनको खुद कुछ न मिला है। मंडल कमीशन पर यह जानकारी मुझे देनी थी आप लोगों को, मैं चाहता था कि आप बात जाए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी शरद यादव ने, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, और एक जिद थी। मेरे नजरिए से एक सफल राजनीतिक कैरियर रहा है उनका, जिसमें व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस देश के लगभग 60 करोड़ आबादी को उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक हक दिलाया। पूरी बातचीत पर आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप कैसे सोचते हैं, क्या शरद यादव को जो सम्मान मिलना चाहिए समाज से वो वापस मिला, और नहीं मिला तो क्या करने की जरूरत है, और शरद यादव का असली सम्मान क्या होगा? बहुजनों का पूरा अधिकार। शरद यादव कह रहे हैं कि मेरा एक ही ख्वाहिश है कि देश में सोशल जस्टिस का आदमी कोई प्रधानमंत्री बने। अभी भी उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। शुक्रिया, आप लंबा समय रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।